देखिए, हमारी स्किन तीन लेयर से मिलकर बनी हुई है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। बिल्कुल डर्मिस और हाइपोडर्मिस के जंक्शन पर हमारे बाल की जो जड़ होती है, जिसे हम जनरली हेयर फॉलिकल के नाम से जानते हैं, वो प्रेजेंट होती है। इसी में से ही हमारा बाल ग्रो होता है और यही पर बाल को ग्रो करने के लिए स्टेम सेल्स भी होते हैं। चलिए ढंग से जानते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि स्किन के ऊपर बालों के शाफ्ट निकले हुए होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, और जैसे ही हम स्किन के अंदर जाते हैं तो बाल का कुछ भाग हमारे स्किन के अंदर धंसा हुआ होता है, जहां से उसे न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है। जैसे पौधों की जड़ होती है, ठीक वैसे ही देखिए, स्किन के अंदर जिस भाग में हमारा बाल धंसा हुआ रहता है, बिल्कुल पौधों की जड़ की तरह, उसे फॉलिकल कहते हैं, जो कि एक शीत जैसी होती है। यानी ये बालों को अंदर से कवर किया हुआ एक आवरण होता है। ये जो सबसे नीचे वाला इलाका है, जहां पर आप एक हल्का सा नॉच देख पा रहे हो, इसे डर्मल पैपिला कहते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। यहीं से खून बालों को पोषण देता है और बाल ग्रो करते हैं। इसके ऊपर बालों का जो फूला हुआ इलाका आप देख रहे हो, थोड़ा सा मोटा सा भाग, इसे बालों का रूट या हेयर बल्ब कहते हैं। इसके अंदर ही हमारे बाल को बनाने वाले सेल्स केराटिनोसाइट और मेलानोसाइट्स होते हैं, क्योंकि इसी हेयर बल्ब के नीचे ही हमारे एपिडर्मिस की सबसे नीचे वाली लेयर बेसल लेयर होती है। इसमें हमारे स्किन और बालों को बनाने वाले स्टेम सेल एपिडर्मल स्टेम सेल होती है, एक प्रकार का मेसेनकाइमल सेल, जो कि डिफरेंशिएट होकर केराटिनोसाइट और मेलानोसाइट बना लेती है। और इसी बालों के चारों ओर जो रूट और शाफ्ट है बाल का, इसके चारों ओर इंटरनल रूट शीथ और आउटर रूट शीथ की दो लेयर होती है, जो बालों को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, यहाँ पर बालों को ग्रो करने के लिए, निरंतर नई नई सेल्स को प्रोवाइड कराने के लिए, यहाँ पर बालों के लिए स्टेम सेल का एक गुच्छा पाया जाता है, जिसमें बहुत सारे स्टेम सेल्स होते हैं। चलिए, आप इतना तो जान गए हैं, अब ये जानते हैं कि ये बाल ग्रो कैसे होते हैं। देखिए, बाल का जो रूट है, यहीं से बाल ग्रो करता है। नीचे से ब्लड फ्लो के जरिए इन्हें न्यूट्रिशन मिलता है, और न्यूट्रिशन मिलने के साथ ही यहाँ पर ये जो स्टेम सेल है, वो डिफरेंशिएट होकर केराटिनोसाइट और मेलानोसाइट के जरिए बाल को ग्रो करवाना शुरू करते हैं। देखिए, केराटिनोसाइट क्या होता है, यही धीरे धीरे बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट होकर ऊपर पुश होता है और केराटिन नाम के प्रोटीन को रिलीज करने लगता है। 95% बाल का जो कंपोनेंट है, वो इसी केराटिन प्रोटीन से ही बना हुआ होता है, जो ये केराटिनोसाइट ही रिलीज करता है। और बालों को काला या भूरा रंग देना, ये मेलानोसाइट का काम है, जो पिगमेंट रिलीज करती है, काले लोगों में यू मेलानिन और गोरे लोगों में फियो मेलानिन, जिससे बालों को रंग मिल जाता है। और पोषण मिलने के साथ ही साथ ये बाल ग्रो करते करते स्किन के बाहर निकल जाते हैं और एक साल में लगभग 6 इंच तक बड़े हो जाते हैं। अब देखिए, जो ये बाल है, वो बने हुए कैसे होते हैं। बाल तीन लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं। बाहर का क्यूटिकल लेयर, जिसमें डेड केराटिनोसाइट होता है, ये बालों को रंग नहीं देता है। इसके अंदर कॉर्टेक्स का लेयर होता है, जो केराटिन प्रोटीन और मेलानिन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। और सबसे अंदरूनी वाला लेयर मेड्यूला का होता है, इसमें सबसे ज्यादा पिगमेंट मेलानिन और केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। इन्हीं दो लेयर से बालों को रंग मिलता है। अब देखिए, बालों का ग्रो होना, वो भी सीधा सीधा ही घटित नहीं होता है, कि इसमें बालों के ग्रोथ के कुल तीन फेज होते हैं। देखिए, ग्रोथ का जो पहला साइकिल होता है, उसमें हेयर अपने फॉलिकल से ग्रो करता है और हमारे स्किन के बाहर तक निकल जाता है। इस फेज को एनाजन फेज कहते हैं। ये लगभग 3 से 5 साल तक चलता है। इसके बाद हमारे हेयर ग्रोथ के साइकिल का दूसरा फेज आता है, जिसमें हमारा ये जो बाल है, ये अपने रूट से डिटैच्ड हो जाता है। और इसमें बाल को अपने रूट से डिटैच्ड होने में 2 से 3 हफ्ते का टाइम लग जाता है। इस फेज को कैटाजन कहते हैं। तीसरा फेज टेलोजन होता है, जिसे रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं। इसमें जो हेयर रूट से बाहर डिटैच्ड हो गया था, वो अब हेयर फॉलिकल से बाहर निकल जाता है, जिसे हेयर फॉलिकल से बाहर निकलने में टोटल 100 दिन का टाइम लग जाता है। उसके बाद जैसे ही हेयर बाहर निकला, दोबारा से फिर यही साइकिल चालू हो जाती है। एनाजन फेज में दोबारा से हेयर ग्रो करता है, डिटैच्ड होता है और फॉलिकल से बाहर निकल जाता है, और यही साइकिल चलती रहती है, बालों का ग्रोथ होता रहता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।